विश्राम के बाद फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। दौसा जिले से राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 6800 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। अगरतला में रैली भी करेंगे पीएम। दोनों ही राज्यों में एक महीने के अंदर ही हो जाएगा विधानसभा चुनाव का ऐलान। आज बिहार में नगर निकाय के पहले चरण के लिए मतदान, 156 शहरों में हो रही वोटिंग, 20 दिसंबर को आएगा परिणाम। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोर्मुगाव। इस स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के कमीशन होने के साथ साथ बढ़ेगी भारत की समुद्री युद्ध शक्ति। सिलीगुड़ी में आयोजित 2 दिवसीय पर्यटन मेले का होगा आज समापन, पश्चिम बंगाल पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया गया है मेला। देश भर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए आज होगी क्लैट एग्जाम, दोपहर 2 बजे से शुरू होगी परीक्षा। रेल यात्रियों को होगी परेशानी, नहीं चलेंगी ये 243 ट्रेनें, भारतीय रेलवे ने कर दी कैंसिल। बैंक ग्राहकों को आज करना पड़ सकता है मुश्किल का सामना, इंडियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सहित कुछ सर्विस 4 घंटे तक रहेंगी ठप, बैंक ने ट्वीट कर दी थी जानकारी। बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट में जीत के करीब भारत, जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर भारत, पहले ही सत्र में मैच जीतने की होगी भारत की कोशिश, बांग्लादेश को चाहिए 241 रन। आज तय होगा फीफा कप का विजेता, फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होगी भिड़ंत, रात 8:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला।